ආදින්න දානා වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ආදින්න දානා වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ධම්මපද ගාථා කථා නම්බර් ये जो कथा और गाथा है ये पंडित वर्गों की है, जानकार वर्गों की। जिनको जानकारी होती है उनको पाली में पंडित बोलते हैं। जो पंडित का मतलब है, जिनकी पांडु का मतलब होता है पीला, पांडु रोग होता है जिसको पीलिया बोलते हैं, और पांडु रंग में जो लोग कपड़े पहनते हैं यानी भगवा वाले जो होते हैं उनको पंडित बोला जाता है। ये प्राचीन शब्द है, उसी समय का, पाली से पहले गया, यानी जब पाली प्राकृतिक बनी है तभी से जानकार को पंडित बोलते हैं, क्योंकि बुद्ध ने जो रंग रंगा था वो एक तरह से भगवा रंग होता था, तो उन्होंने रंग लिया, इसलिए उस रंग के कपड़े को ही फिर बाद में पंडित बोलने लगे, जो पंडु कपड़े पहनता है। ये कहानी बड़ी मजेदार है। ये एक बौने भिक्कु की है, बौने अर्हत भिक्कु की है। अर्हत तो आप जानते होंगे, जो अर् होता है उनको तिल्ली बोलते हैं, तृष्णा की, यानी शरीर में जितने भी रोग यानी राग द्वेष और मोह माया की जितनी तिल्लियां होती हैं, जो आरे होते हैं उनको जो तोड़ देता है उसको अर्हत बोलते हैं। जो हत कर दे अरों को उसको अर्हत बोलते हैं। लकुंटक नाम था उसका, लकुंटक। लकुंटक जो पाली में है इसका मतलब है बौना। अगर कोई हाइट में कम है तो आप उसको लकुंटक बोल सकते हैं, बौने की बजाय लकुंटक बोलिए तो अच्छा लगेगा। तो लकुंटक थेर की कहानी है, सावित्री की, जैतूनाराम की। लकुंटक थेर हाइट में छोटे थे, बौने थे, इसलिए सभी उनका बहुत ज्यादा हंसी मजाक उनसे करते रहते थे, उनसे हालचाल पूछते रहते थे। यहां तक कि जो उनसे उम्र में कम छोटे भिक्कु थे, जो उनके जूनियर थे, जो उनके सबॉर्डिनेट थे, जो बिल्कुल नए नए सामने थे, वो भी उनसे हंसी मजाक में पूछते रहते थे। मगर लकुंटक भिक्कु की, थेर की एक खास बात थी कि उनमें धैर्य और संयम बहुत था, और वो कोई प्रतिक्रिया देते नहीं थे, बिल्कुल शांत रहते थे, और शांत रह के अपना ध्यान में विपस्ना में काम करते रहते थे और धम को आगे बढ़ाते रहते थे। लोग अपना बोल के चाल के चले जाते थे। उनके इस धैर्य के अपार गुण को देखते हुए जब चर्चा हुई तो भगवान बुद्ध की संज्ञान में ये बात आई, तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही। लकुंटक उनका असली नाम नहीं था, उनको बेसिकली भद्य थेर बोलते थे। भद्य जो नाम है वो भद्द से पड़ा है, भद्द को बाद में कहने लगे तेरी भद्द पिट गई, इसको एक निगेटिव नाम बना दिया। भद्द का मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हैं। भद्द ही, भद्र महिला जैसे भद्र पुरुष होता है उसको भद्द बोला जाता है पाली के अंदर। भद्द का मतलब होता है अच्छे मुहूर्त वाला, मुहूर्त माने जो समय होता है, जैसे कहते हैं कि आपका मुहूर्त बहुत अच्छा है, मुहूर्त को बाद में मुहूर्त बोला गया, तो अच्छे मुहूर्त वाला यानी भद्द मुहूर्त वाला। एक भद्दीय पूरा का पूरा एक शहर भी है जो भद्दीय के नाम से जाना जाता है। वहां के जो लोग होते हैं उनको भी भद्दीय बोलते हैं, अंग राज्य के अंदर ये भद्दीय शहर आता है, वहां के लोगों को भी भद्दीय बोलते हैं। और जो राहुल माता है यानी जो भगवान बुद्ध की यानी जो सिद्धार्थ गौतम की जो पहले पत्नी थी, क्योंकि बुद्ध होने के बाद तो पत्नी का संबंध खत्म हो जाता है, मगर सिद्धार्थ गौतम की जो पत्नी थी जिनको यशोधरा के नाम से बोला जाता है, बेसिकली यशोधरा उनका पूरा नाम नहीं है, असली नाम नहीं है, उनका नाम है भद्द कच्चाना। भद्द कच्चाना का मतलब है अच्छे, और कच्चाना का मतलब होता है, कच्च माने होता है किया हुआ या करने वाला, जो कार्य करने वाला है, इसको कत्यायनी भी बोलते हैं या कत्यायनी भी बोलते हैं, बाद में संस्कृत भाषा में कत्यायनी बोला गया है इसको, ये कच्चाना है। तो ये नाम भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट है जो भद्द से पड़ा हुआ है। भद्द कोई भी महिला पुरुष जो अच्छे गुण वाले होते हैं उनको भद्द बोला जाता है, या भद्द के पीछे आगे कोई भी नाम लगा दे तो वो अच्छा हो जाता है। ये लकुंटक जो भद्द हैं यानी भद्दी हैं उनकी एक कहानी है। गाथा इस प्रकार से है, सेलो यथा एक घनो वातेन ने समीरति एवं निंदा प्रशंसासु ने समिंजति पंडिता। भगवान बुद्ध ने उनके गुणों को देख के जो गाथा कही उसमें जो सैलो शब्द है, सैलो का मतलब होता है चट्टान या पर्वत, जैसे कहते हैं ना शैल भित्ति बोलते हैं आज की पाली की भाषा में, कि ये शैल भित्ति है, भित्ति माने दीवार हो गया और शैल माने जो चट्टान है उसको हो गया, यानी समुद्र के अंदर जो सफेद रंग का एक छोटा छोटा सा जो जीवाणु होता है वो लगातार 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 सफेद रंग की चट्टान बना देता है, उसको शैल भित्ति बोलते हैं। ओरिजिनल नाम इसका शैल भित्ति होता है, शैल माने चट्टान।
सैलो यथा एक घनो, एक घनो का मतलब है जो एक साथ बिल्कुल सॉलिड हो, घना हो, यानी कि जो पहाड़ है, जो चट्टान है, वो बहुत ज्यादा ऐसी है जो एक साथ खड़ी हुई है, यानी कि एक तरह से आप हिमालय पर्वत उसको बोल सकते हैं, या बहुत बड़ी चट्टान जो घनी है और एक साथ है, इकट्ठी है, अलग अलग नहीं है। वातेन ने समीरति, वातेन का मतलब है हवा द्वारा, वात माने हवा होती है, जैसे कफ वात और पित बोलते हैं, उसमें जो वात आता है वातेन यानी हवा द्वारा, हवा भी उसका क्या नहीं कर सकती है। ने समीरति, ने समीरति, समीरति का मतलब है कि उसको कंपित नहीं कर सकती, उसको हिला नहीं सकती, उसको विचलित नहीं कर सकती, उसको इधर उधर नहीं कर सकती। एवं निंदा प्रशंसासु, एवं निंदा प्रशंसासु, एवं माने इसी प्रकार, यानी जिस प्रकार पर्वत को हवा जो चलती है बहती है उसको इधर उधर नहीं कर सकती, इसी प्रकार जो प्रशंसा और निंदा, निंदा प्रशंसासु, निंदा का मतलब है कि किसी का अपमान करें या किसी को बेइज्जती करें या किसी की निंदा करें, बुराई करें, उसको निंदा बोलते हैं। और प्रशंसासु बोलते हैं किसी की प्रशंसा करें, किसी को एडमायर करें, वाह वाह करें। तो इसी प्रकार जो निंदा और प्रशंसा होती है, न समिंजति पंडिता, समिंजति का मतलब है विचलित करती है, न समिंजति पंडिता, यानी कि वो जो जानकार लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको विचलित नहीं करती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रशंसा और निंदा से जो साधारण लोग हैं वो बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं। किसी ने कहा कि देखो आपने कितना बढ़िया कपड़ा पहना है, या आप कितने बढ़िया बोलते हो, या आप कितना बढ़िया बताते हो, या आप कितना बढ़िया मिठाई बनाते हो, या आपने कितना बढ़िया खाना बनाया है, या आपने कितना बढ़िया काम किया है, या आप कितना बढ़िया ये कार को ड्राइव ड्राइव करते हैं, या जो भी काम है, अगर उसकी प्रशंसा करते हैं तो आदमी उसमें प्रतिक्रिया देता है और खुश हो जाता है। और अगर निंदा कर दे कि आप पे गाड़ी चलानी नहीं आती है, खाना बनाना नहीं आता है, ये क्या बोल दिया, लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, क्या क्या काम करते हो, कैसे करते हो, तो ये जो निंदा करते हैं उससे जैसे ही निंदा की वैसे ही उसका चेहरा या वो जो शरीर है उसका खराब हो जाता है, मन उसका खराब हो जाता है। मगर जो समझदार लोग होते हैं, अगर उनकी निंदा कोई करे या उनकी प्रशंसा कोई करे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें एक तिब्बत की कहानी बहुत अच्छी चलती है। तिब्बत में दो पिता पुत्र होते हैं, वो एक घोड़ा लेके साथ चलते हैं, तीनों पैदल पैदल जा रहे होते हैं, तो लोग कहते हैं अरे ये कैसे पिता पुत्र हैं, ये घोड़े को अकेला छोड़ दिया और खुद जा रहे हैं, तो घोड़े पे एक आदमी बैठ सकता है। वो आगे निकलते हैं तो बाप बेटे से कहता है कि तू बैठ जा घोड़े पे और मैं पैदल पैदल चलता हूँ। थोड़ी दूर आगे जाने पे उनको फिर एक कुछ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि अरे कैसा ये मूर्ख बेटा है जो बाप पैदल जा रहा है और खुद जो क्या बोलते हैं घोड़े पे बैठा हुआ है। तो वो आगे चल के बेटा उतर जाता है और बाप घोड़े पे बैठ जाता है। आगे चल के फिर उनको कुछ लोग मिलते हैं, वो निंदा करते हैं, कहते हैं कि अरे कैसा बाप है, देखो बच्चा बेटा है वो पैदल जा रहा है और खुद घोड़े बैठा हुआ है। तो वो बेटे को भी घोड़े पे बैठा लेता है। दोनों आगे जाते हैं, फिर आगे कुछ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं अरे कैसे लोग हैं, इन्होंने तो घोड़े को पिटा दिया, घोड़ा थक गया, ये ऐसा भी नहीं है कि घोड़े को उठा के लिए जाएं। वो दोनों आगे जाके घोड़े को रस्से से बांधते हैं, डंडे से, और उठा के लेके चलने लगते हैं। आगे जाके फिर कुछ लोग मिलते हैं, कहते अरे कैसे मूर्ख लोग हैं जो घोड़े का वजन ढोते हुए जा रहे हैं, इनमें इतनी बकल नहीं है, घोड़ा तो खुद पैदल पैदल चल सकता है। तो फिर वो घोड़े को खोल देते हैं, घोड़ा और वो तीनों पैदल पैदल चलते रहते हैं। ये प्रक्रिया निंदा में चलती रहती है, यानी निंदा करने वाले को कहीं भी चैन नहीं होता है, वो हर बात की निंदा करेगा ही करेगा। इसलिए जो लोग निंदा से और प्रशंसा से बच के रहते हैं, जिन पर इसका असर नहीं पड़ता, वो लोग समझदार होते हैं, वो लोग अच्छे होते हैं, उन्हीं में जो भद्दीय भिक्कू हैं वो उनमें आते हैं। ये जो 38 महामंगल सूत्र हैं, 38 महामंगल सूत्र में जो आखिरी सूत्र हैं उसमें ये सूत्र भी दिया हुआ है कि यश और अपयश से जो लोग बच जाते हैं ये उनका महामंगल होता है, उनका बहुत ज़्यादा कल्याण होता है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं,
आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाजत लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kameshu Michchara Virmani Sikkhapadam Smadhyami.